हाय एवरीवन वेलकम टू मैथमेटिक ट्रिक्स बाय श्रेनिक जैन सीरीज आज हम गेट क्वेश्चन को तीन मेथड से बनाने वाले हैं दी फर्स्ट मेथड इज दी कॉन्सेप्चुअल मेथड ऑफ आइगन वैल्यूज दी सेकंड मेथड इज माय स्पेशल मेथड एंड द थर्ड मेथड इज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स क्वेश्चन को देख ही कैसे सॉल्व करना है सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द लेसन कम्प्लीटली लेट एस रीड द क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट इन टू टेलीकॉम पेपर द क्वेश्चन इज

हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस स्टैंडर्ड अप्रोच या जो आपके नॉर्मल कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट इट सिंपली सेज इफ यू नीड आइगन वैल्यूज है ना अगर आइगन वैल्यूज चाहिए देन यू नीड कैरेक्ट्रिस्टिक इक्वेशन विच इज कैरेक्ट्रिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैमडा आई इक्वल टू ज़ीरो तो हमने वही किया है मैट्रिक्स ए गिवन था एंड सब किया है माइनस लैमडा आई से सो आई एम गेटिंग दिस डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेट विच इज़ अ बिग फाईक्रॉस फाई डिटर्मिनेंट अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये हम सोच रहे हैं टू सॉल्व फाई क्रॉस फाई डिटर्मिनेंट सो इट्स अ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस है ना फाई क्रॉस फाई डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में बस यही क्वेश्चन बनेगा और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं एंड हैंस यू हैव टू अवॉयड दिस लेंथी प्रोसेस उससे बेटर है ना आप ऑब्जर्व करो ये डिटर्मिनेंट को इफ यू ऑब्जर्व दिस डिटर्मिनेंट केयरफुली सी दि रो वन रो वन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वन माइनस लैमडा टू थ्री फोर एंड फाइव अच्छा रो टू में कौन से एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट सर वन माइनस लैमडा टू थ्री फोर फाइव अच्छा नेक्स्ट रो में बताइए फिर सेम नेक्स्ट रो सेम सेम सो हियर कम्स दी ट्रिक ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट की क्या ट्रिक है लाइक इफ यू चेंज कॉलम वन ओके कॉलम वन को अगर आप कुछ इस प्रकार चेंज करते हो लाइक कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री प्लस कॉलम फोर प्लस कॉलम फाइव तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड हेंस इफ आई परफॉर्म दिस ऑपरेशन इफ आई चेंज माई कॉलम वन विच मीन्स ऑल दिस वैल्यू वुड बी लाइक कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव तो क्या वैल्यू निकल करके आती है

All the element of column वन is same and I can take 15 minus lambda outside. तो अगर आपने 15 minus lambda बाहर निकाल लिया तो first value वन हो जाएगी और बाकी जो values हैं होने दो जो भी values यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है let it be as it is. We are not, uh, we are not dealing with those terms. क्यों क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैट्रिक्स ए के पास सिर्फ और सिर्फ वन रियल आइगन वैल्यू होने वाला है वन रियल आइगन वैल्यू होने वाला है हेंस द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन फिफ्टीन माइनस लैमडा वुड बी इक्वल टू जीरो हेंस लैमडा इज इक्वल टू फिफ्टीन इज योर आंसर सो आई होप आपको मेथड वन समझ में आया कि हमको फाइक्रोस्फाइड डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना वी हैव टू यूज दी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड स्मार्टली हमको सॉल्व करना है स्टिल द क्वेश्चन वॉज टफ आपको टाइम लग रहा है टू सॉल्व द क्वेश्चन या फिर मे बी आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं आता तो सर क्या करें

राइट एंड साइड में दैट इज इक्वल टू लैमडा इंटू दी आइगन वेक्टर एक्स अब बेसिकली आपको यहाँ पर करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैं एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म आपको करके दिखाता हूँ एक्स वन वुड बी मल्टीप्लाइड विद वन सो एक्स वन उसके बाद एक्स टू इज मल्टीप्लाइड विद द नेक्स्ट टर्म टू सो इट्स टू टाइम एक्स टू उसके बाद एक्स थ्री इज़ मल्टीप्लाइड विद थ्री सो थ्री टाइम्स एक्स थ्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आई होप आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है फोर टाइम्स एक्स फोर फाइव टाइम्स एक्स फाइव एंड एड ऑल दी टर्म्स सो दिस इज़ हाउ यू डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड में हो गया है ना सो so वो फर्स्ट टर्म था दैट शुड बी इक्वेटेड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड तो हमने इक्वेट भी कर लिया एंड आई गॉट माई फर्स्ट एक्सप्रेशन अब बाकी के एक्सप्रेशन आप ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हुए निकाल सकते हो लाइक like

राइट हैंड साइड में भी यही काम हुआ था कि लैमडा कॉमन था तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया और बाकी टर्म्स ऐड हो गए एंड यू कैन सी दैट ऑल दिस टर्म्स विल कैंसल आउट एंड लैमडा वुड बी इक्वेटेड विद फिफ्टीन सो लैमडा इज इक्वल टू फिफ्टीन इज द राइट आंसर सो दिस इज मैथड टू यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन विक्टर अब आपके दिमाग में ये होगा सर अगेन दिस इज लेंथी प्रोसेस ये भी कोई आसान टास्क नहीं था इसमें भी काफी टाइम लगा सो लेट अस सी मेथड थ्री सो मेथड थ्री इज माय ट्रिक द ट्रिक इज दार्जेस्ट द लार्जेस्ट रियल क्या दिस इज लार्जेस्ट रियल आइगन वैल्यू लैमडा इट लाइज बिटवीन लेस देन इक्वल टू समेसन ऑफ रो एलिमेंट्स विच विल भी मैक्सिमम वैल्यू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू समेसन ऑफ रो एलिमेंट जो मिनिमम वैल्यू होगा है ना तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इसके बीच में होता है तो मैं मैट्रिक्स पर आ गया था और मैं चेक कर रहा था कि मैंने रो वन के एलिमेंट्स को ऐड कर दिए सो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव जैसे ही मैंने ऐड किया मुझे मिल रहा है फिफ्टीन फिर मैं चला गया नेक्स्ट रो के पास मैंने उसके भी एलिमेंट्स ऐड किए फाइव प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अगेन ऐड करने के बाद आंसर आया है फ़िफ्टीन डू फॉर द रेस्ट आंसर इज स्टिल फिफ्टीन इसका मतलब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक इट इज़ नाउ चेंज एज सर मिनिमम रो का रो एलिमेंट्स का समेशन भी 15 था और मैक्सिमम वैल्यू भी 15 ही आ रहा था रो एलिमेंट सम अप करने के बाद भी यू कैन सी के रो एलिमेंट्स को सम अप किया तो मिनिमम भी 15 मैक्सिमम भी 15 तो आइगन वैल्यू क्या होगा फिर आइगन वैल्यू इज 15 आई होप यू गॉट द आइडिया विद इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस गेट क्वेश्चन तो एग्जाम में ये टू मार्क का पूछा गया था एंड यू हैव टू जस्ट सी दी क्वेश्चन एंड क्लिक दी आंसर आई होप यू एंजॉयड द वीडियो i hope you like the video all these concepts tricks and techniques are important for gate examination because in gate examination you have to solve more question in less time all these techniques tricks and concepts you will find in my engineering mathematics notes so if you want to buy the notes uh, the contact and the email id are on the screens now फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन टू लाइक दिस वीडियो शेयर विद YouTube चैनल तो मिलते हैं अगली वीडियो में टिलेर जैन पीस आउट